वहीं मुरैना शिक्षा विभाग में स्कूलों की मरम्मत के नाम पर बड़ा घपला हुआ है। जिले के 132 स्कूल भवनों की मरम्मत के नाम पर 3-3 लाख रुपए फूंक दिए गए। जिन भवनों की मरम्मत हुई है इनमें से कई भवनों की छतों से बारिश में पानी टपक रहा है, दीवारें दरक गई हैं, ढह गई हैं, मेंटेनेंस काम पर उंगलियां उठने लगी और शिकायतें होने लगी हैं। तो अब जिम्मेदार अफसर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मुरैना में 1776 प्राइमरी, 560 मिडिल स्कूल, 96 हाई स्कूल और 86 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, यानी कुल 2518 स्कूल हैं जो लगभग 1800 भवनों में चल रहे हैं। इन्हीं में से 132 स्कूल भवनों की मरम्मत 1 से 1.25 साल पहले हुई है। हर स्कूल भवन की मरम्मत के नाम पर सरकार से 3-3 लाख रुपए का बजट दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से स्कूलों की मरम्मत के लिए ठेकेदार नियुक्त किए गए। इन ठेकेदारों ने ऐसी मनमानी की है कि जिन जिन स्कूल भवनों की मरम्मत हुई है उनकी छत से पहले से ज्यादा पानी टपक रहा है, दीवारें दरकने से लेकर ढहने लगी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनोद सिंह तोमर जुड़ गए हैं। विनोद, आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि जिन स्कूलों की मरम्मत की गई वहां से लगातार पानी टपक रहा है, क्या कुछ अपडेट है? मुरैना में जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो मरम्मत के नाम पर स्कूलों के साथ जो घपला किया गया है उसमें बिल्कुल देखा जा रहा है कि जिन स्कूलों की मुरैना जिले में मरम्मत की गई, ऐसे कई स्कूल है जिनकी छतों से पानी टपक रहा है और इस समय बरसात का सीजन है तो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो पानी टपकता है तो उनकी जो ड्रेसेज हैं और कॉपी किताबें भीग जाती हैं और उससे बचने के लिए वो इधर उधर भागते हैं। ऐसा ही जो मुरैना जिले के जो मुरैना मुख्यालय से 20 किलोमीटर तक दतहरा स्कूल है जिसे 1960 के दशक में कृष्ण पल्लवी राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया था। आज उसकी दशा यह है कि उसे 1.25 साल पहले 3 लाख रुपए दिए गए थे लेकिन उसकी जो एक चटाई सी डालकर और सीमेंट से पुताई कर दी गई थी और जो उसकी कलर किया गया था और 9 खिड़कियां लगाई गई थी, उसके बाद वो जो 3 लाख रुपए हैं उनको डकार लिया गया। आज वह स्थिति है कि स्कूल की जो दशा है वो छत टपक रही है और ढहने की कगार पे है। वहीं बिल्कुल ये देखा जाए कि जो ठेकेदार है वो शिक्षा विभाग के द्वारा नियुक्त किए गए थे और उनकी जो जो बिल्कुल और विनोद देखिए, अगर जिम्मेदारों की बात करें तो जिम्मेदारों का इसको लेकर क्या कहना है कि जिन्होंने जिनको ठेका दिया गया उन्होंने इस तरह से काम किया, तो जिम्मेदार लोगों का इसको लेकर क्या कहना है? बिल्कुल, जब अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों का ये कहना है कि ये मेन जो जिम्मेदारी है वो जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है उसकी है और जब प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि जो जिला शिक्षा विभाग के द्वारा जो निर्माण कंपनी के द्वारा ठेका दिया गया था उसकी जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी है, लेकिन एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। और वहीं जो इंजीनियर की बात की जाए, जो इंजीनियर ने जो इसको जो एकदम सटीक किया कि बिल्कुल सही तरीके से काम किया गया, लेकिन वो बिल्कुल अधिकारियों को जो बिल बांटकर इसको घपला किया गया और इसको खा लिया गया, लेकिन जो बच्चों के नाम से जो पैसा आया उन अधिकारियों ने इसको बिल्कुल बच्चों के जो यूज होना चाहिए वो नहीं हो पाया। ऐसे मुरैना जिले में कई स्कूल हैं जो ढहने की कगार पे हैं और उन स्कूलों की छत टपकती रहती है लेकिन जो यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उनको सुनने के लिए या देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से तस्वीरें भी हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से जर्जर हो चुके हैं स्कूल, लगातार अगर हम देखें छत खराब हो चुकी है, जो दीवारें हैं वो खराब हो चुकी हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मतलब जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार नहीं है, शिक्षा विभाग जिम्मेदार नहीं है, तो जिम्मेदार कौन होगा और एक्शन किस पर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर इस तरीके से जो 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 जिम्मेदार हैं इनके द्वारा इनको जो राशि प्रदाय की गई और जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही यहाँ से जो ठेका देकर निर्माण कंपनी भेजी गई उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, लेकिन बिल्कुल एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हैं। लेकिन इसमें बिल्कुल देखा जा रहा है कि जो 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 अधिकारी हैं उन्होंने मिल बांट कर इस राशि को डकार लिया है और जो ठेकेदार हैं उनको जो उनके निजी ठेकेदार होते हैं जो उनको जो राजनीतिक संरक्षण होता है जिसकी वजह से वो इस बात से दूर भागते नजर आ रहे हैं कि अगर हमने इस बात को स्वीकार किया कि जो ठेका जो हमारे राजनीतिक संरक्षण जो मिला है उनको तो हमारा नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो मुरैना में ठेकेदार हैं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है जिसकी वजह से जैसा भी काम किया जाता है उसी को स्वीकृति प्रदान करके और उनको राशि भुगतान कर दी जाती है। बिल्कुल सही कहा, और जवाबदेही भी बिल्कुल तय होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
दीवार जो है वो ढह चुकी है, छतों से पानी टपक रहा है। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है इसके लिए स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि जिनको ठेका दिया गया शिक्षा विभाग द्वारा, तो हमारे कमरे पानी टपकता है तो हमारे बैग भीग जाते हैं और हम अपने बैग छुपाने के लिए उधर उधर भटकते हैं। तो इससे आपने प्रिंसिपल से कभी कहा है? इसकी मरम्मत अभी 1.5 साल पहले हुई है, जिसमें 3 लाख रुपए खर्चा आया था, राशि प्राप्त हुई थी, लेकिन इसकी एजेंसी बनी हुई थी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, तो उस राशि का उपयोग किया गया और उन्होंने एक चटाई सी डाल के ऊपर 2-3 कम बिल्डिंगों के ऊपर तो पुताई कर दी कि ये वाटर प्रूफ है, इससे अब पानी नहीं आएगा। पानी तो आ रहा है और जो उन्होंने जो कार्य कराया था चटाई डालकर वो तो ऊपर से टूट रहा है। हाँ, निकल गया है और पानी आ रहा है, बच्चे परेशान हैं। इसके लिए प्रतिवर्ष मैं 2 से 3 बार पंखे भरवाता हूँ, हर बार फूक जाते हैं।